सचिन जेडीसीना पालीगाम खाते त्रण बाळकोनी विचित्र मौतनी घटना बनी छे। गत रोज त्रणे बाळकोए आइसक्रीम खाईने तापणुं कर्या बाद तबियत लथड़ता मौत निपजी होवानी घटना सामे आवी छे। सूरतना सचिन पालीगाममां रहेता श्रमिक परिवारनी त्रण बाळकीए शुक्रवारे आइसक्रीम खाईने तापणुं कर्या बाद तबियत लथड़ता मौत निपजी होवानुं सामे आव्युं छे। एक साथे त्रण बाळकीना मौतनी घटना बनता आरोग्य विभाग पण दोड़तो थयो छे। त्रणेय बाळकीना मौत आइसक्रीम खाधा बाद थया के पछी तापणा समये कोई झेरी धुमाड़ाना कारणे थया छे तेनी तपास हाथ धरवामां आवी रही छे। त्रणेय बाळकीना मौतनुं चोक्कस कारण पीएम रिपोर्टमां सामे आवी शके छे। मळती माहिती मुजब सूरतना पालीगाममां रहेती त्रणेय बाळકી આઈસ્ક્રીમ ખાધા બાદ તાપણું કર્યું હતું। ત્યારબાદ ત્રણેયની તબિયત લથડી હતી અને તેમના મોત થયા હતા। તેમના મોત આઈસ્ક્રીમ ખાવાથી કે તાપણાના ધુમાડાને લગતા કે પછી અન્ય કોઈ કારણસર થયા છે તેની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। પીએમ રિપોર્ટમાં તેનું ચોક્કસ કારણ સામે આવી શકે છે। કેમેરામેન હકીમ શેખ સાથે વસીમ હાસમીનો રિપોર્ટ, આઝાદ ન્યૂઝ, સુરત। જે હમ લોગ તો સુબહ કે ટાઈમે અપને ચાય પાણી પીએ, तो उसमें चाय पिया, बच्चे भी हम सब साथ में, उसके बाद में खाना उना खाए, हम लोग खाना खाए, उसके हम डिब्बी चले गए, घर वाले चले गए, मैं भी चले गए, उसके बाद ये भी सब चाय पानी पिया, खाया पिया, अपना बाद अपना खेलने कूदने लगा, हम लोग डिब्बी चले गए। जब शाम को आया 5:30-6 बजे करीब में, तो देखा तो जब सोवा हुआ था तो सोवा हुआ था, हम आए उसको जगाया मैंने, मुझे क्या हुआ, खाना बाकी कुछ हम नहीं देखे, वही जो रूम में जो चाय टोक्स जो खाए, चाय टोक्स उस जो खाए ना, बस वही। अब बाकी वो दाल चावल खाया, सब्जी सब्जी चावल बस वही हम लोग देखे, बाकी कुछ नहीं खाए जी। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे यहाँ पे 3 है, जैसे एक तो डेट करके ये उसमें आपके 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 घर के कितने बच्चे हैं? हमारे घर के एक ही है जी। क्या नाम है? दुर्गा देवी, दुर्गा कुमारी। हमारा नाम राम प्रकाश। क्या घटना हुई? वो लड़की गया नहर पे, 3-4 लड़का लड़की थे साथ में, खेलता था कूदता था, वहाँ खाया आइसक्रीम, खाया मीठी में, खेला अकड़म बकड़म में, खेला उस बच्चे लोग में, फिर उसका मम्मी भी साथ में था तो बोला कि चल यहाँ नहीं रहने का, चल निकल। तो उसका मम्मी को साथ बोला कि मैं बाद में आऊँगा, तू निकल। तो मेरा बीवी उसको मारने के लिए भी धराया, फिर भी नहीं आया, घींच के भी लाया, फिर भी भाग गया, वो वापस चला गया बच्चे के पास। गया बच्चे के पास तो आ गया, इधर 2 घंटा को अंदर में उसको खबर आ गया कि तेरा बच्ची को उल्टी हो रहा है। तो पहुंचा तुरंत पहुंचने के बाद में इसको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टर के पास दवा उवा दिया, सीवा दिया, टीका दिया, उसके बाद बोला कि रूम पर ले जा, रूम पर ले गया। फिर उसको बाद रूम पर ले गया, रूम पर ले जाने के बाद में फिर मेरे से मैं तो कंपनी में था, मेरे तो कुछ मालूम ही नहीं था क्या क्या हुआ नहीं हुआ। गया घर पर, तो घर पर गया तो खाना पीना बना था, बच्चा लोग सो गया है, जो मर गया, जो डेट उठ गया वो सो गया था, वो सो गया था। मैं बोला अरे सबको सेनेस खिला रहा है, जो खिलाने वाला था मैं शाम को लाता था कुछ खाने के लिए, बोला वो कि एक बच्चा कहाँ है मेरा, तो बोलता एक बच्चा है तो सोया है उल्टी होकर, बोला उसको दवा लिया है। आपको कैसे पता चला? मैं आया तब पता चला, मैं रूम पर आया था, मेरे बच्चे ने क्या खाया वो मैं तो देखा नहीं, ये सब बता रहा है लेडीज लोग कि आइसक्रीम सामने में। क्या बताया डॉक्टर ने? क्या डॉक्टर कुछ नहीं बताया, डॉक्टर बोला कि क्या चीज के भेसिंटल हो गया, क्या हो गया, इंफेक्शन हो गया, क्या हो गया, वो सब बता रहा था। वो दवा चालू किया, बोला कि लड़की बच जाएगा तुम्हारा, कल सुबह तक लड़की बोलने लगेगा। तो बोला कि भाई इतना पैसा लगेगा, मैं बोला जितना पैसा लगेगा पैसा के लिए मैं ठाड़ा हूँ, मैं भाग नहीं जाऊंगा। એમાં અલગ અલગ બાબતો બહાર આવી રહી છે, રિલેટિવ આઈસક્રીમ ખાધાની પણ વાત કરે છે, અને એક રિલેટિવ અહીંયા છે જે બાળકીની મધર છે, એક મધરની વાત કરું તો એણે સ્પષ્ટ કહે છે કે મારી છોકરી આઈસક્રીમ ખાધું નથી અને મારી પાસે આઈસક્રીમનો પૈસા નથી, અને તાપણું કરતા હતા અને તાપણામાં કંઈક ધુમાડો લાગ્યો અને ધુમાડા પછી બેહોશ થઈ ગયા, એવી વાત છે। ટોટલ કઈ 4 બાળકની વાત છે, એક પ્રાઇવેટમાં લઈ ગયેલા હતા, એક બાળક અહીંયા લાવેલા હતા અલ્ટ્રાસોસિયમ હાથે, બાકી 2 તો અહીંયા બ્રોડેડ આવેલા હતા અને એક કઈ રિકવર થઈ ગયું છે। પ્રાથમિક કારણ શું હોય શકે? પ્રાથમિક કારણ હવે પીએમ પછી જ ખ્યાલ આવશે કે એકચ્યુઅલ શું છે, અને પોલીસ તપાસમાં જે કંઈ બહાર આવે।